Assalamu alaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourers. ये देख लें जी, लुक आपको दिखा दूँ नए टैंक के ग्राफिक्स के साथ. और आज राइड मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, आप ये देखें जी क्या लिखा हुआ है. कारगिल 471 किलोमीटर और साथ हेस्कॉल का पंप है. यानी कि मैं भाराकाऊ रोड क्रॉस करके मैंने आज इसलिए वीडियो स्टार्ट की कि पहले भी मैं जब राइड की थी तो मैं आपको सारा दिखा चुका हुआ था, जो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा था. अच्छा, रीडिंग जनाब 371 किलोमीटर से, समझे कि यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और जी आज फिर इसकी थोड़ी आपको कराते हैं सैर इस नए रास्ते पर, जो कि अधूरा रह गया था लास्ट राइड में. आज इसको करते हैं और देखते हैं जी 70 की परफॉर्मेंस ही बताऊंगा, जगह भी देखेंगे. और आज ये है कि मैंने बैकपैक लगाया हुआ है और उसमें एक लाइट सी मैंने जैकेट भी रखी हुई है इन केस ऑफ ठंड. और वैसे तो खैर मुझे मौसम तो क्लियर ही नज़र आ रहा है अगर देखा जाए तो, लेकिन चलें आगे चल के देखते हैं. आ गया जी वही मेन जो चौक आ गया, इधर से हमने होना है राइट, राइट टर्न लेना. ये ले लिया जी टर्न और ये मैं आ गया मरी मोटरवे पर. इधर तो खैर मोटर बाइक पहले भी आ चुकी हुई है, लेकिन ये है कि फिर भी आपको दिखाना. और मोटरवे को टर्न लेते ही ये पहला ओवरहेड ब्रिज आता है इधर, जहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं, आप देखें छोटी मोटी जूसेस और आप ले सकते हैं. आज इस पे मकसद ये भी था कि एक तो इसको इस जगह पे लेके आऊँ मैं, और थोड़ा सा ये है कि अभी तक आप देखें कि उसका फर्स्ट इंजन ऑयल चेंज का भी नहीं आ रहा, यानी कि वो पीरियड वो जो माइलोमीटर रीडिंग 500 नहीं पूरी हो रही थी. इसलिए मैंने सोचा कि इस जगह पे निकल जाते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से, जो पहला ऑयल भी है तो वो अच्छे तरीके से निकलेगा. तो चलिए चलते हैं जी आगे. अंगूरी के लिए जितने टर्न लेना है तो वो यहाँ से ये राइट जाएंगे, ये राइट जाएंगे. इसके ऑपोजिट एक मस्जिद है और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट सा है, और समझे उसके ऑपोजिट है. अच्छा अभी यानी टोल प्लाजा नहीं आया ये, जहाँ मैंने समझे कि थोड़ा ही उससे आगे. लेकिन ये कि आज मैं ज़रा इस पर स्ट्रेट स्ट्रेट ज़रा देखना चाह रहा हूँ, जो लास्ट मेरे समझे कि उसमें टूर में मिस कर गया था बिकॉज ऑफ द रेन. तो आज थोड़ा सा इस पर जाते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं. और यहाँ पे तो आई होप कि काफ़ी मुझे किलोमीटर्स मिल जाएंगे और इजीली मिल जाएंगे. 374 हो चुका है. अच्छा ये कोई कैपिटल थीम पार्क लेफ्ट साइड पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, और राइट हैंड साइड पे अभी जैसे वापसी पे मैं दिखाता हूँ, ये है सलसबील जंजबील. अच्छे मौसम में अगर आए तो जगह मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी बैठने बैठने के लिए. फूड भी ठीक था इनका. अच्छा दूर नज़र आ रहा है जी फुलग्रान टोल प्लाजा, और ये ना दिखाए तो समझें वो तो लगता ही नहीं कि एक एंट्री मारी यहाँ पे. इसके आने से पहले आप देखें तो राइट हैंड साइड पे ये कोई नकली यहाँ पे हो घोड़े हाथी डायनासोर ये चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं नकली. ये आ गया जी टोल प्लाजा. और खैर वैसे मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि
हेलमेट के बगैर कैसे एंट्री ये कर गए हैं। या तो उन्हें रोका है मे बी, अच्छा जी क्रॉस हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड पे कोई मेरे ख्याल है हॉस्पिटल है, द डायबिटिक सेंटर लेफ्ट हैंड साइड पे है, काफ़ी बड़ा सा है। स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर, मुझे कोई टेंशन नहीं, खैर मेरी बाइक रनिंग पे है, रनिंग पे ना भी हो तो स्पीड लिमिट क्रॉस करने की कोई ऐसी ख़ास टेंशन नहीं है, अनटिल एंड अनलेस के कहीं कोई स्लोप मिले, लेकिन ऑनेस्टली मैं बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ। यानी कहते हैं ना टू इन्जॉय एवरी बिट ऑफ द जर्नी, तो वो इसमें इसलिए होता है कि स्पीड भी आप कम चलाते हो और एक एक चीज़ पता चलता है कि रास्ते में ये था ये था, हर चीज़ का पता चलता है। अच्छा लास्ट टाइम जो मेरा इस पर था टूर, तो मैं आपको जगह दिखा दूं कि मैंने ये यहाँ से घुमा ली थी और क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ लग गई थी। अब ये समझें अभी खैर 378 किलोमीटर हो गई है, यानी इधर से आगे अभी ये मोटर बाइक आज पहली दफ़ा आएगी, पहली दफ़ा आ रही है और इस पर अब समझें कि इसका यहाँ से ऑनवर्ड्स टेस्ट शुरू हो चुका है। अच्छा एक चीज़ तो बिल्कुल जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई कि मुझे अगर कहीं ना रिस्पॉन्स में तो वाकई मुझे वो साथ बैठी बैठी टाइप फील नहीं आ रही, मतलब बेटर है वाकई, इंजन में अगर कोई चेंजेस किए हैं तो यस पता चल रही है। ये अब इधर से ये स्लाइटली समझें चढ़ाई और लोअर टोपा 35 मरी 41 मुजफ्फराबाद 103 किलोमीटर। अच्छा मैं जैसे कह रहा था कि रनिंग के लिए बिल्कुल कोई बुरी जगह नहीं है, आपने ओवर स्पीड नहीं करनी बाकी तो बिल्कुल, बल्कि थोड़ा सा यानी अच्छे मौसम में इंजन आपका चलता है तो शहर की नस्बत यहाँ ज़्यादा बेहतर है जी, आपने स्पीड नहीं लगानी ज़्यादा और उसको आहिस्ता तेज़ यूँ चलाते रहें, कहीं कहीं रेस्ट भी दे दें तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। मैं अपनी मोटर बाइक से अक्सर की यहाँ, क्योंकि शहर में फिर उस तरह पॉसिबल ही नहीं, आप फिर आपके इनिशियल रनिंग ही बहुत देर से होती पूरी, और मेरा तो मकसद ही है कि ज़रा जल्दी तैयार हो मोटर बाइक ताकि फिर आपको इस पर अब के लॉन्ग टूर्स इस पर मैं आपको फिर करके दिखाऊं, इस पर करूं और इसको चेक करें फिर हम। मांगा आ गया जी, फिर इस जगह का नाम मांगा है और मांगा के इधर ये समझे फ्लैट्स हैं जो अरसे से हम देख रहे हैं और खाली पड़े हैं, और इसके आगे फिर समझें कि ब्रिज आएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ब्रिज आएगा और फिर आगे फिर ज़रा मतलब आगे फिर चढ़ाइयाँ ही हैं। 383 किलोमीटर हो गए हैं, ये आया जी ब्रिज, इसके आगे फिर अभी चढ़ाइयाँ हैं। अच्छा रोड का काम भी लगा हुआ आप देखेंगे तो वो आपने फिर केयरफुल हो के चलना है। ये देखें पैच बन रहा है, अच्छा फोर्थ गियर में है, मज़े से चढ़ रही है, चढ़ाई है। यानी कहीं मुझे फील नहीं हो रहा कि भाई मैं इसको थर्ड में करूं, नो
अंडर 50 स्पीड है मेरी। अच्छा इधर ब्रिज का काम बड़ी देर से लगा हुआ, मैं आपको ज़रा दिखा दूँ घूम के। ये देखें जी, ब्रिज का बड़ा टाइम हो गया, काफ़ी पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और उस वक्त से अभी तक समझें कि काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है और रिपेयर नहीं हुआ अभी तक। कुछ इसकी मुझे समझ नहीं आई। साथ साथ देखें, ये चीज़ें बताता रहूँ ना ताकि अगर जो भी कंसर्न हैं वो भी सोचें और कोई किसी से पूछ ले। अभी बड़े अरसे से मैंने यूं ही वीडियो एक बनाई थी और कोई सुपरवाइज़र था, उससे मैंने बात की थी, वो कहते जी बस तैयार होने को है, लेकिन ये लगा हुआ बड़े टाइम से काम। अच्छा जी, किलोमीटर हो गए 386, हल्का हल्का सा यानी हवा में अच्छा जो मज़े वाला प्रेजेंट वाला वो आ रहा है। टेंशन मुझे इसलिए नहीं कि आज मैंने रखी हुई है अपनी लाइट सी वो जैकेट रखी हुई है पहनने के लिए। अभी खैर अभी कोई ऐसा चक्कर नहीं है, कोई ठंड का सीन नहीं है और खैर कहीं मैं रुकूंगा और पानी पीऊंगा, थोड़ा सा मोटर बाइक को भी रेस्ट मिल जाएगा।